70 से लेकर 90 के दशक तक राज करने वाले बॉलीवुड इंडस्ट्री पर इकलौते ऐसे अभिनेता थे धर्मेंद्र, जो कि आज भी दर्शकों की पहली पसंद बने हुए हैं। दोस्तों, अगर आप भी धर्मेंद्र के फैन हैं तो इस वीडियो को तुरंत ही लाइक कर दीजिएगा। आपको बता दें कि धर्मेंद्र बढ़ती उम्र के कारण लगातार हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस वक्त धर्मेंद्र की हालत बेहद ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है। जैसी ही यह खबर मीडिया की सुर्खियों में आई, धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे, ऐसी भी अफवाहें उड़नी शुरू हो गई। फिलहाल आपको बता दें कि धर्मेंद्र को नानावती हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसका खुलासा खुद हेमा मालिनी, जो कि उनकी बीवी है, उन्होंने कर दिया है। दोस्तों, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र इस वक्त नानावती हॉस्पिटल में हैं और इस वक्त उसी हॉस्पिटल में लता मंगेशकर जी को भी एडमिट करवाया गया है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि लगातार धर्मेंद्र का इलाज चल रहा है, फैंस लगातार उनके लिए दुआएं भी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी धर्मेंद्र के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही कमेंट भी आकर गेट वेल सून जरूर लिख दीजिएगा। बेटे सोनी देओल ने भी इस बात की जानकारी फैंस तक अपने ट्विटर हैंडल के जरिए पहुंचा दी है। दोस्तों, अगर आप भी धर्मेंद्र जी के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही कमेंट भी आकर गेट वेल सून जरूर लिख दीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।